प्रतिज्ञा लिए हैं, एक रुपया कम कर दीजिए, कर दिए हैं, 50 रुपया दिए हैं, 1 रुपया कम कर दिए हैं। देखिए जो जो अभी पैसा देके गए हैं सब अपना अपना 1 रुपया दे दीजिएगा, सबका 1-1 रुपया कम है ना। बोले सच्चे दरबार की, और माँ से अपनी गलतियों की क्षमा मांगते हुए माँ से कहना है क्या कि शेरा वाली मांगो और प्रियांशु को, प्रियांशु कुमार प्रियांशु कुमार पांडे के तरफ से माँ के चरणों पे अरदास, माँ इनकी हर मनोकामना पूरी करे। एक बार उनके लिए छोटे से बच्चे के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। और आइए एक प्यारा सा झांकी, उसके बाद आगे लेके चलेंगे माँ के चरणों पे। अरे ये तो देख रहे थे भैया, सभी अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं। नहीं देखता माला चोर, तुम नहीं देखता, गाना सुन रहा बताओ। क्या नाम हुआ आपका? और रणवीर जी की तरफ से माँ के चरणों पे अरदास, माँ इनकी हर मनोकामना पूरी करे। और आइए अब एक ऐसी झांकी जिन्हें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, हमारे अजित ग्रुप। और अजीत जी, हमारी आवाज अब तक पहुंचती होगी तो कृपया मंच पे आए। और राजीव पांडे जी, आपके काफी चाहूंगा यहाँ के भक्त एक बार राजीव पांडे जी के लिए जोरदार ताली बजा दे एक बार। क्या लगा कि तुम स्वयं को भगवान घोषित करके इस जगत के सर्वशक्तिमान नारायण की सत्ता को समाप्त कर दोगे? नहीं गंस, कदापि नहीं। तुमने जो भी अपराध किए, बैठ जा बैठ जा, उनका दंड केवल मृत्यु दंड है। तुम्हारी बहन देवकी की गोद से ही तुम्हारे काल का जन्म होगा। देवकी का आठवां पुत्र तुम्हारी हत्या करेगा गंस, तुम्हारी हत्या करने के लिए ही वो संसार में अवतरित होने जा रहा है। Get up!
तुम्हारी आकाशवाणी सत्य हो भी गई। देवकी के गर्भ से मुझे मारने वाले ने जन्म ले लिया। प्रशंसा प्रशंसा के पात्र हो तुम। मैं सोच रहा था छह बालकों की हत्या और सातवें बालक के लुप्त होने का अर्थ है कि तुम्हें दया आने लगी है और तुमको मुझसे भी अधिक निर्दयी नहीं। मैं गुलाय में चली हवा झकझो गरज गरज कर ताक वक्त क्रोधित विषो सुना रहा निज रो। आज कोई आकाशवाणी नहीं करोगे विष्णु। जब भी ये विष्णु भगवान कल से भयभीत हो जाता है व्याकुल हो जाता है और ऐसे ही करने लगता है। क्यों तो चौक कमर इसी बात पर दस्त भी करते हुए आकाशवाणी फलित हुई थी। सैके ने आज पुत्र को जन्म दिया था। उस दिनाज के दिन जन्म लिया था। ये भगवान कंस की कंसवाणी है। और अब मैं वासुदेव कृष्ण नंदलाल कृष्ण यशोदा नंदन कृष्ण देवकी पुत्र कृष्ण मुरलीधर कृष्ण मथुरा आ रहा हूँ। ओ विष्णु भगवान कंस को देखकर छिप गया ना। ओ चक्रधारी यूं तो बड़ा भगवान बना फिरता है। आज भगवान कंस स्वयं तेरा वध कर तुझे वैकुंठ के उत्तरदायित्व से मुक्त करने आए हैं और तू बालकों की तरह लुका छुपी खेल रहा है। ओ विष्णु साहस है तो सामने आ, साहस है तो सामने आ। Thank you.
जिसे तुम पल प्रतिपल ढूंढते रहते हो आज उसे ही नहीं पहचान रहे हो कंस। पहेलियां मत बुझा, सत्य बोल, कौन है तू? अहम सर्वस्य प्रभो मता सर्वम परवर्तते। कंस मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का कारण मैं समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित परमात्मा। मैं ही आदि, मैं ही मध्य और मैं ही अंत हूँ कंस। आदित्य नामम विष्णु ज्योतिष्णा रविरंशुना। मैं आदित्यों में परम प्रकाश और प्रकाश में तेजस्वी सूर्य हूँ। मैं ही नक्षत्रों में चंद्रमा और रुद्रों में शिव हूँ। मैं यक्षों और राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर और दैत्यों में भक्तराज प्रहलाद। कंस मैं ही समस्त पुरोहितों में बृहस्पति जान मैं सेनापतियों में कार्तिके और शस्त्रधारियों में राम। मैं जलाशयों में सागर पर्वतों में हिमालय और नदियों में गंगा। मैं दमन करने वालों में काल। मैं ही विजय मैं ही साहस और मैं ही बल।